हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड जो हमारी आज की वीडियो है वो विजयनगर एम्पायर के ऊपर होने वाली है। विजयनगर एम्पायर जो है यहाँ पर अपनी इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है यहाँ पर। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है दिल्ली सल्तनत का साउथ इंडिया में ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर अपने ऑटोनोमस स्टेटस जो स्टेट होते हैं वो अपना इस्टेब्लिश करते हैं और जो दिल्ली सल्तनत है उससे आज़ाद हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का दौर आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद का जब टाइम आता है, तो जब इनका कमज़ोर होना शुरू होगा ख़ासतौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ख़ासतौर पर हम देखेंगे, तो ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे यहाँ पर से राज्य। सदर्न इंडिया के अंदर मिडिवल हिस्ट्री में दो मेन एम्पायर देखने को हमें मिलेंगे जो हम पढ़ते हैं ख़ासतौर पर। पहला होता है बहमनी किंगडम, दूसरा होता है यहाँ पर विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर के बारे में ये वीडियो हमारी होने वाली है, सो इसको हम स्टार्ट करें। इससे पहले आई रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप यहाँ पर अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके यहाँ पर, ठीक है। सो वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि विजयनगर एम्पायर क्या रहा यहाँ पर, देन इसमें रूलर्स जो आएंगे, जो ख़ास ख़ास रूलर यहाँ पर रहते हैं, मेन जो रूलर्स होते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से रूलर यहाँ पर होते हैं। सो विजयनगर एम्पायर जो है यहाँ पर ये इस्टेब्लिश होता है 1336 के अंदर, इस्टेब्लिश होता है 1336 में, एंड जब इसका एंड होता है वो होता है 1672, यानी कि तीन डिकेड्स यहाँ पर ये रूल करते हैं, 300 साल तक लगभग इनका यहाँ पर रेन रहता है यहाँ पर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय एंड इस्टेब्लिश बाय हरिहर बुक्का, हरिहर वन और बुक्का राया वन। हरिहर बुक्का दो भाई थे, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा था विजयनगर एम्पायर को। अब इनका जो ओरिजिन है ये कहाँ से आए, से हम पूछते हैं सबसे बेसिक, हम ये कहते हैं कि इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया तो ये थे कौन यहाँ पर, तो हम ये बोलते हैं कि गंडरिये थे ये। अब गंडरिये मतलब जो भेड़ बकरी चलाने वाले लोग जो होते हैं चीफटेन, इनको हम बोलते हैं जो, सॉरी इसकी वर्ड होता है कि स्पेशल, तो ये वही लोग थे, गंडरिये थे यहाँ पर ये। देन यहाँ पर कि क्या होता है, ये ऑफिसर्स बन जाते हैं ककटिया एम्पायर के अंदर। एक थ्योरी यहाँ पर ये कहती है कि ककटिया एम्पायर के अंदर यहाँ पर ये ऑफिसर्स बन जाते हैं। ककटिया कहाँ पर, वारंगल में, यहाँ मैंने मैप के अंदर ले रखा है इसको। देन बिकम, जब ये हम देखते हैं कि कटक वो होयसाला जो एम्पायर है जब वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और जो काकटिया एम्पायर जो है यहाँ पर, काकटिया जो एम्पायर है उसके जब ये यहाँ पर जो ये एरिया है यहाँ का ख़ास तौर पर, यहाँ पर कंपली कंपीली या फिर किंगडम यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, उसके अंदर यहाँ पर ये ऑफिसर्स बन जाएंगे वहाँ से, मतलब जब वो ख़त्म हो गया तो ये दूसरा पहुँच जाते हैं वहाँ पर। देन जब यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करेगा साउथ इंडिया में, तो इनको बंदी बना लिया जाएगा। बंदी बनने बाजी क्या होगा, ये इस्लाम कबूल कर लेंगे यहाँ पर, मुस्लिम बन जाएंगे कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए मुस्लिम बनेंगे, लगातार नहीं। मतलब एक जैसे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग रही इनकी, इस तरह से इन्होंने करा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं तो समझेंगे, तो हम ये देखते हैं कि ये सदर्न इंडिया के अंदर एक मुस्लिम्स के अगेंस्ट हिंदू एम्पायर खड़ा करना चाह रहे थे यहाँ पर ये बाद में जब ये अपने गुरु से मिले, तो इन्होंने जब इनको ऐसा महसूस हुआ, इनके नाम था गुरु विद्या नारायणा, ठीक है, या फिर इनकी प्रीचिंग से इनको ये महसूस हुआ कि हमें जब मुसलमान बन गए हैं हम, इनने हमने मिस्टेक कर दी है, इनका शायद ऐसा थॉट रहा हो यहाँ पर, तो ये खैर इन्होंने यहाँ पर साउथ में फिर अपना इस्टेब्लिश करना शुरू करा एम्पायर। ख़ास तौर पे कब, जब कंपीली जो एम्पायर किंगडम था उसका डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको कैदी करा और ये फिर गवर्नर बन के रहते हैं, मतलब कमांडर बन के रहेंगे साउथ इंडिया की जो आर्मी का जो हिस्सा है मोहम्मद बिन तुगलक की, और जो भी हम देखेंगे कि स्टेट हैं जो बगावत करेंगे उसको ये क्रश कर देंगे यहाँ पर। देन अनदर थ्योरी यहाँ पर क्या होती है, वही दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इनका जो जो स्टैब्लिश हुए, मतलब जो इनका ओरिजिन होता है, थे तो ये गंडरिये ही जो भैंस वगैरह बकरी चलाने वाले जो होते हैं, मगर ये कमांडर थे होयसाला एम्पायर के अंदर, क्योंकि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं ना, यहाँ पर ककटे भी है और जो होयसाला दोनों यहाँ पर हैं साथ में, तो जब ये कमांडर होंगे आर्मी, किसी एक आर्मी कमांडर रह सकते हैं एक टाइम के अंदर, तो यहाँ पर
तो ये कहते हैं कि भाई दूसरे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये ककटिया एम्पायर की नहीं, ये होयसाला, ठीक है, होयसला जो हम बोलते हैं, होयसाला या होयसला जो एम्पायर था उसके ये कमांडर थे। देन जब ये होयसला ख़त्म हो जाएगा उसकी ज़मीन के ऊपर ही आता है यहाँ पर कंपली एम्पायर किंगडम जो है उसमें ये बनेंगे कमांडर। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो आएगा इनको कब्ज़े में लेगा, कंट्रोल में लेगा अपने, फिर ये उसकी नहीं काम करते हैं, मुसलमान बन जाते हैं उसकी निगाह में आके। अब ये मुसलमान बने किसने, ये चालबाजी हो सकती है या फिर इनको मान लिया उन्होंने इस्लाम या होते दस्ती बना दिया गया उनको मुसलमान। बाद में इनको क्या हुआ कि भैया अब पावर ख़त्म हो दिल से तन कि हम आज़ाद हो जाते हैं, फिर हम ना तो धर्म है वापस से हिंदू धर्म कर लेते हैं, ठीक है। देन जब ये इंस्पायर्ड होते हैं, एक गुरु दिखाए गए, मतलब एक संत दिखाए गए हैं यहाँ पर, संत होते हैं गुरु विद्य नारायण, ठीक है, उनकी जो टीचिंग्स वगैरह होती हैं मतलब ब्लेसिंग वगैरह जब इनको मिलती है तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब हमें अपना एक अलग से जो हिंदू किंगडम है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए यहाँ पर साउथ इंडिया में, अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत जो मुस्लिम सल्तनत है उसके अगेंस्ट पर यहाँ पर, ठीक है। मगर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, जब ये अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे, हालांकि जो साउथ इंडिया में हम जब बात कर रहे हैं सदर्न इंडिया में बात करेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम्स किंगडम भी हैं, उनको भी ये ख़त्म कर डालेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे उनकी जो टेरिटरी है, मगर एज वेल एज ये एब्जॉर्ब कर डालेंगे वहाँ पर जो कमज़ोर हिंदू किंगडम्स हैं उनको भी अपने कंट्रोल के अंदर ये ले लेंगे। तो ये थ्योरी मान लेना कि एकदम से ये मुसलमानों के अगेंस्ट इन्होंने अपना हिंदू एम्पायर खड़ा कर लिया, ये थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है यहाँ, क्योंकि जो हिंदू किंगडम्स हैं उनको भी इन्होंने ख़त्म करा अपने राज्य के अंदर मिलाकर। इन्होंने अपनी जो कैपिटल इस्टेब्लिश करी यहाँ पर, न्यू सिटी को इन्होंने बसाया, इस्टेब्लिश करा जो किलाई विजयनगर, द सिटी ऑफ विक्ट्री, जिसके नाम पर इस एम्पायर का नाम पड़ता है विजयनगर एम्पायर, इस हम नाम से जानते हैं। कहाँ बनी ये, ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। आज के टाइम में कहाँ पर था, जैसे हमने मैप में देखा तो विजयनगर एम्पायर कहाँ कहाँ पर है, जो ये रीजन दिखाई दे रहे हैं आपको ये विजयनगर एम्पायर के ही रीजन है यहाँ पर, जिसको बाद में विजयनगर एम्पायर ने अपने अंदर मर्ज कर लिया था यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, मतलब साधारण जो इंडिया है उसका बहुत बड़ा पार्ट इनके किंगडम के अंदर, इनके एम्पायर के अंदर रहा यहाँ पर, जैसे हम देख सकते हैं इस मैप के अंदर, ठीक है। ये एरिया है यहाँ पर रेडी हैं, जो दूसरे जो मतलब ये मुस्लिम्स किंगडम है यहाँ पर, जो मुस्लिम जो दिखिए जो हरे में दिखाया गया है ये मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, बहामनी किंगडम का एरिया है यहाँ पर ये, ठीक है। और जो यहाँ पर यह रहेगा ये सल्तनत ऑफ मदुरई है, तो ये दिखाया गया है इसके अंदर, ये वाला रेड्डी किंगडम है जिसको ये अपने अंदर मिला, लेकिन ये भी हिंदू किंगडम है हालांकि यहाँ पर होते हुए भी, ठीक है। ये पांड्याज हैं यहाँ पर, ये भी हिंदू किंगडम है, तो ये एकदम से हम मान लें कि भाई हिंदू मुस्लिम झगड़ा रहा है, फिर इन्होंने ऐसा करा होगा, थोड़ा सा ये अटपटा लग सकता है यहाँ पर। बट साउथ इंडिया का जो हम देखें यहाँ पर, जो नीचे का जो रीजन दिखाई दे रहा है हमें, इसमें सात रीजन जो इनके कंट्रोल में रहा और जो इनके टक्कर पे रहे यहाँ पर, वो बहामनी सल्तनत रही हमेशा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम क्या देखते हैं भाई, जब इनका एम्पायर साउथ इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो गया, इन्होंने अपना अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, मगर इतने पावरफुल नहीं थे शुरुआत के अंदर, एकदम से तो ये होता नहीं कोई भी भैया एकदम बड़ा सा एम्पायर बन जाता है, उसका एक्सपेंशन भी होता है, धीरे धीरे करके एक्सपेंशन होता है उसका। व्हेन दे बिकम ए पावर देयर मेनी एनिमीज अगेंस्ट देम, ठीक है। शुरुआत में इनके बहुत सारे दुश्मन रहे वहाँ पर, होयसला रूलर जो थे मैसूर के वो रहे यहाँ पर, जिनके हम कहते हैं कि बगावत हो गए, निकल के ये अलग आए थे, मगर यहाँ पर हमने कहा कि भाई उनके जो रूइंस थे, जो बर्बाद हो गया था देश उनका, जो मतलब किंगडम ख़त्म हो गया था, उसके ऊपर ये बना कैसे, जब इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब कमज़ोर हो गया होयसला एम्पायर, तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। अब जैसे कि हम ये कहते हैं जब दिल्ली सल्तनत बनी, वहाँ पर जब रूलर्स हैं जब वो आते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक रूलर है वो कमज़ोर हो गया है और वो सही से अपने किंगडम को नहीं चला पा रहा, अपनी जो एम्पायर है चला नहीं पा रहा, तो आखिर में चाह रहा जो कमांडर होगा वो सोचेगा भैया ये चला नहीं पा रहा, चलो मैं ही काम कर लेता हूँ उस वजह से। तो ये रीज़न भी हम कह सकते हैं कि रहा कि जो इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करा, कि जितने भी साउथ इंडिया के दूसरे जो किंगडम थे, चाओस था, अनार्की थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली से बार बार अटैक हुआ करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये
क्या था कि आप झगड़ों को छोड़ के ख़त्म करने के लिए, हो सकता है इन्होंने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करा, इस तरह से एम्पायर जो इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर। तो है दो यहाँ पर इनके एनिमीज रहते हैं कटक्कर पे, उनके दुश्मन रहेंगे, वो हैं होयसला और सुल्तान ऑफ मदुरई। अब जो होयसला जो है वो कमज़ोर था, बताया मैंने आपको पहले ही। तो सुल्तान ऑफ मदुरई जब इन पर अटैक करेंगे, जब इनका जो किंगडम है उसको ख़त्म कर डालेंगे यहाँ पर, बाद में क्या है, यहाँ पर जो होयसला ख़त्म हो गया, सुल्तान ऑफ मदुरई जो है वो ख़ुद कमज़ोर हो जाएंगे आगे चलकर यहाँ पर। कब? 1346 के अंदर। 1346 के अंदर यहाँ पर जो होयसला एम्पायर है उसको पूरा से पूरा कंट्रोल में ले जाएगा, सुल्तान ऑफ मदुरई जो है उनसे छीन ले जाएगा ये हिस्सा। देन 1377 के अंदर मदुरई सल्तनत पे हमला किया जाएगा, उसको भी अपने एम्पायर के अंदर ला ले जाएगा, मतलब जो ये रीजन है यहाँ पर, ये रीजन डायरेक्ट अब इनके कंट्रोल में आ जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला ठीक है, और ये मदुरई का जो हिस्सा है इनके कंट्रोल में आ गया, अभी ये ऊपर का बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब पहले तो बात ये देखनी चाहिए जो इनका रिलीजन क्या था यहाँ पर। ठीक है, रिलीजियस में हम देखते हैं तो ये हिंदू ही थे। हिंदुज़म के अंदर हम साउथ में जो देखेंगे, साउथ इंडिया में ख़ास तौर पर, जैसे हम नॉर्थ में देखते हैं राम है, दूसरे शिव राम है, कृष्णा है, और दूसरे कई तरह के भगवान हैं, शिव भगवान हैं, यहाँ पर उनको माना जाता है यहाँ पर। मतलब हर इंसान का अपना देखते हैं कुल देवता होता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जो देवता है या भगवान है उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। तो जो साउथ इंडिया में हम देखते हैं, अब भी देखेंगे आज के टाइम में भी हिसाब है वहाँ पर, तो वहाँ पर दो सेक्ट चल रहे हैं अलग अलग हिंदू धर्म के अंदर। एक होता है शिविज़्म, जिसके अंदर वो भगवान शिव को मानते हैं ख़ास तौर पर, और दूसरा आता है वैष्णविज़्म। अगर आपने कभी हम एशियन हिस्ट्री पढ़ी होगी इंडिया की, तो हम ये देखेंगे कि जब कोई मान लीजिए कोई शेवाइट है वो रूल कर रहा है, तो उसके ऊपर किसी वैष्णविज़्म को मानने वाले ने अटैक कर दिया, तो वो क्या करेगा, जो उसका मंदिर है शेवाइट धर्म वालों का, उसको तोड़ फोड़ करके थोड़ा बहुत उसको तोड़ फोड़ करके उसमें चेंजेस कर देगा और उसको वैष्णवीट मंदिर बना डालेगा वहाँ पर। ऐसा बहुत बार हुआ साउथ के अंदर, बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको आम सी बात मिल जाएगी देखने में, अगर आपको पढ़ना है ओपन माइंडेड होकर, वरना फिर आप तो सोचेंगे भैया कि मुसलमान ने अटैक कर दिया तोड़ दिया, तो वही मिलेगा। वरना आपको अगर साउथ सर्च करेंगे डालेंगे तो मिलेगा आपको इस तरह से, वाकई में साउथ इंडिया के अंदर ऐसा हुआ। तो शुरुआत के जो रूलर यहाँ पर रहे, संगम डायनेस्टी, चार डायनेस्टीज पर रूल कर दी विजयनगर एम्पायर के ऊपर, तो वजह से वही रहती है जैसे कि तीसरे दर्द के अंदर है कि भाई जब रूलर कमज़ोर हो गया तो कमांडर ने कहा हमेशा मान लेता हूँ। ठीक है, तो वो इस तरह से यहाँ पर डायनेस्टी रूल करती हैं, चार डायनेस्टी आएंगी। तो पहली जो डायनेस्टी आती है संगम डायनेस्टी है, वो मानते हैं शैविज़्म को। देन जो दूसरे आएंगे यहाँ पर तुलुवा सुलुवा अरबीदू जो आएंगी डायनेस्टी, वो वैष्णविज़्म को यहाँ पर मारने वाले होंगे, मगर जो भगवान शिव है उनको फिर भी पूजा जाएगा यहाँ पर। जो इनके मैंने बताया आपको सबसे बड़े जो दुश्मन थे साउथ के अंदर, जो लगभग काफ़ी सालों तक इनके यहाँ पर 100 साल तक लगभग रहेंगे यहाँ पर, जिनसे लगातार इनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा यहाँ पर, तीन रीजन पे चलता है वो ख़ास तौर पर। वो रीजन यहाँ पर क्या है, पहला तो होता है तुंगभद्रा का दोआब। देखो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर, हम थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर इनकी राजधानी है, और राजधानी जो नदी बहती हुई जा रही है उससे ही लगी हुई है, सीधी बातें। अब जो कृष्णा है और जो तुंगभद्रा रिवर है जहाँ वो मिलती है, वो ज़मीन है बहुत ज़्यादा उपजाऊ, फर्टाइल लैंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो इन पर इसका सॉरी यहाँ पर यह पॉइंट, ठीक है, तो इसके ऊपर इनका हमेशा झगड़ा रहेगा यहाँ पर, तुंगभद्रा और रायचूर दोआब भी कहते हैं, दोआब भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा जो इनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वो रहेगा तुंगभद्रा दोआब पर, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है यहाँ पर है, ये डेल्टा वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रायचूर दोआब कहेंगे वाले रीजन को, ठीक है। तो इस पर कॉन्फ्लेंट इनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा यहाँ पर, मतलब कभी तो ये जो विजयनगर एम्पायर है उनके पास पहुंच जाएगा ये हिस्सा, कभी जो बहमनी किंगडम है वो कब्ज़ा कर लेगा इसके ऊपर, मगर चाहिए दोनों को ये हिस्सा अपने एम्पायर के अंदर, कि उनके लिए फ़ायदा क्या है कि फसल मिलने में आसानी रहेगी पहली बात। तो जो तीसरा रीजन यहाँ पर आता है वो है कोंकण, जिसको हम बोलते हैं मराठवाड़ा, ठीक है, बोलते थे बाद में। अब कोंकण किस लिए इम्पोर्टेंट था यहाँ पर,
भाई घोड़ों के नहीं है, सऊदी जो रीजन है यहाँ पे, जो अरब का रीजन है, वहाँ के जो घोड़े होते हैं वो फुर्तीले ज़्यादा होते हैं। जो इंडियन ब्रीड होती है घोड़ों की वो इतनी ताकतवर नहीं है, और ना वो इतना भाग सकती है, ना इतनी तेज़ी स्पीड होती है, और लगातार वो इतना वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं रह पाते वो घोड़े इंडियन जो हैं। तो वो कहाँ से आएंगे, वो अरब रीजन से आएंगे घोड़े को, ठीक है। अब ये कंट्रोल में कभी शुरुआत के अंदर कंट्रोल में ये रहता है, यहाँ पर दूसरे जो किंगडम होते हैं उनके कंट्रोल में रहता है, जब बहामनी आते हैं तो वो कब्ज़ा कर लेते हैं इसके ऊपर, और जो पोर्ट होती है गोवा की वो कंट्रोल में रहती है, हमेशा ही रहती है बहामनियों के। अब जो विजयनगर वाले हैं उनको जो ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो गोवा से ही करना पड़ेगा, पोर्ट तो वही थी उस टाइम। तो गोवा भी एक वैसे हम देखते हैं काफ़ी टाइम तक, जब पावर में गोवा गोवा रहेगी यहाँ पर, जब तक गोवा जब पोर्ट है, मतलब हम कहेंगे जब तक काम चल रहा है उसके, जब तक चलता है जब तक विजयनगर एम्पायर रहता है काफ़ी हद तक। जब बहामनी के एकदम शुरुआत में ख़त्म हो जाएगा, विजयनगर जो एम्पायर है उसके खात्मे से पहले ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर बहामनी किंगडम, ठीक है। तो वो गोवा जो है पहुँच जाएगा पुर्तगालियों के पास। अब जब विजयनगर एम्पायर को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस पोर्ट की, तो उस पोर्ट की भी अहमियत हो जाएगी ख़त्म। और जब हम देखते हैं जो पुर्तगाली हैं गोवा को छोड़कर पहुंच जाएंगे मुंबई के अंदर, मुंबई बन जाएगी उनकी राजधानी, जो इंडिया के अंदर कब्जा करा हुआ इलाका है उसके ऊपर। खैर, तो ये तीन रीजन हैं, इनके ऊपर इनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और इन्हीं रीजन के ऊपर लेकर इनके लगातार कई वॉर होते हैं। जितने भी इनके अंदर रूलर्स आएंगे, एक रूलर एक को हराएगा। मान लीजिए यहाँ पर शुरुआत का हरिहर है, उसने किसी जो बहमनी किंगडम का रूलर है उसको हरा दिया, तो जो बहमनी किंगडम का जो रूलर है जो हार गया, जो उसका बेटा है, वो बुक्का राय से बदला लेगा इस चीज़ का। बुक्का राय यहाँ पर हार जाएगा, बुक्का के बाद उसका बेटा बैठेगा, या जो उसका सक्सेसर आएगा यहाँ पर हरिहर टू, वो उसका बदला उससे ले लेगा यहाँ पर। तो मतलब ये है कि ये रिवेंज पे चलता रहेगा। साउथ इंडिया में हम पढ़ते हैं, सदर्न इंडिया के अंदर, तो हमें बहुत आम सी कहानी मिलेगी कि वो रिवेंज चलता रहेगा, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, लगातार वो दूसरे को मारते रहेंगे यहाँ पर। उसने उसका बदला ले लिया, उसने उसका बदला ले लिया, और ये ख़त्म नहीं हुआ बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पे हम देखते हैं रामा राय, रामा राय कौन है यहाँ पर, अरबी डायनेस्टी का रूलर आएगा यहाँ पर। ये विजयनगर एम्पायर के जो सबसे लास्ट डायनेस्टी है, फोर्थ एंड लास्ट डायनेस्टी होती है अरबी डायनेस्टी, उसके रेन में क्या होगा यहाँ पर, जो बहमनी किंगडम है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। उसके चार पाँच सक्सेसर यहाँ पे स्टेट आते हैं यहाँ पर, वो इस पर हमला करेंगे इसके विजयनगर एम्पायर के ऊपर, ठीक है। हालांकि ये अपनी जो जो राजधानी है उसको ही चेंज कर लेगा यहाँ पर। तो जो कंबाइंड फोर्सेस होती हैं, अलाइड फोर्सेस, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बिदर एंड बरार, ठीक है, पांच सक्सेसर स्टेट होते हैं, इस पर हमला करेंगे, और ये बैटल ऑफ तालीकोट के अंदर 1565 के अंदर हार जाएगा, और जो विजयनगर एम्पायर है यहाँ पर वो बिल्कुल ख़त्म होकर आ जाएगा यहाँ पर। हालांकि जो विजयनगर एम्पायर है, जो हाल इनका हुआ था बहमनियों का, वही हाल इसका भी होता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब एक शाखा जो होती है बची रह जाती है यहाँ पर। श्री रांगा थर्ड यहाँ पर लास्ट उड़ा निकल के आते हैं उसमें से, और फिर देन उसका वाइप अप हो जाता है बिल्कुल ज़मीन पे से। यहाँ पर फोर्थ डायनेस्टी यहाँ पर रूल करेंगे अलग अलग, संगम, सलुवा, तलतुलुवा, अरविदु, ठीक है। तो संगम डायनेस्टी बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जस्ट वन मिनट। सो हम आगे बढ़ते हैं, अब आती है यहाँ पर बड़ी डायनेस्टी जो रूल करेगी, वो है संगम डायनेस्टी, जो फाउंडर डायनेस्टी यहाँ पर रहने वाली है। जिसने इसमें रूलर आए हैं, सब रूलर की यहाँ पर मैंने रखी है अलग से कि कौन कौन रूलर रहा यहाँ पर, ताकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ इतने ही रूलर निकल कर आए, चार से पाँच पप्पू की हम पढ़ते हैं, जब मेन रूलर रहेंगे वो हमेशा इनको ही पढ़ते हैं यहाँ पर। वजह यहाँ पर यह रहती है कि जो सारे रूलर्स यहाँ पर हैं, कुछ कोई रूलर ऐसा भी आएगा यहाँ पर जो सिर्फ चार से पाँच महीने रूल करेगा, कोई कई साल रूल करेगा कुछ करेगा ही नहीं वो काम, वो सिर्फ ज़िंदगी काटेगा अपनी आराम से, तो उनके पास पढ़ने में फ़ायदा कुछ है नहीं यहाँ पर। सो जो हम यहाँ पर ख़ास ख़ास रूलर रहेंगे जिन्होंने अचीवमेंट करी यहाँ पर, कुछ हासिल करा या कुछ लॉस करा, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सो ब्रीफ में हम देखते हैं क्या रहा भैया संगम डायनेस्टी का, ये फाउंडर डायनेस्टी है यहाँ पर, जिसमें हरिहर बुक्का हरिहर बुक्का राय जो है यहाँ पर, हक्का राय भी बोलते हैं जो हरिहर है उनको, वीरा हरिहर या फिर हक्का राय कहते हैं। तो इन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा था, और ये बेटे थे यहाँ पर भावना संगम के, ठीक है, चीफ्टन ऑफ काउहर्ड पेस्टोरलिस्ट हर्डमैन कम्युनिटी हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम द यादवाज रेज।
यादव जो होते हैं उनका काम यही तो होता है कि भैया यदुवंशी जो होते हैं पालने वगैरह वाले होते हैं, ज़्यादातर गाय बकरियों का पालने वाले जो लोग होते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये यादव क्लैन से अपने आपको, रेस से अपने आपको मानते थे कि हम उस नस्ल से निकल कर आ रहे हैं, हमारी जो क्लैन है वो है ये है, और भावना संगम जो हैं इनके पूर्वज हैं यहाँ पर, उनकी डायनेस्टी से यहाँ पर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे जो ये सब प्रिंसिपैलिटीज़ हैं जो हौसला एम्पायर की जो ज़मीन है उसको कब्ज़ा करते हैं, कंपनी को ख़त्म कर डालते हैं बिल्कुल, और जो ककटिया एम्पायर है ये तीन ख़ास तौर पे इनके जो रीजन थे उनके बीच का जो रीजन निकल के यहाँ पर आता है, वहाँ पर ही इनका जो एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं ये अपना, और धीरे धीरे सब जगह को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं यहाँ पर हिस्ट्री के, जो मेन सोर्सेज यहाँ पर आता है वो फेरनाओ नुजेज यानी कि नुजिक का, नो निस का आता है यहाँ पर, जो कि एक जूश ट्रैवलर थे जो 30 साल तक स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ को विजयनगर एम्पायर के अंदर। जब वो यहाँ पर रहते हैं तो वो हर चीज़ के बारे में बताते हैं, डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि स्टेट के अंदर यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर फला फला चीज़ है। अब ये यहाँ पर आते क्यों हैं, एक रीज़न भी ये भी होता है कि भाई ये सीधी सी बात है, यहाँ पर ट्रेडर थे ये, जो हॉर्स होते थे उनको घोड़ों को बेचने के लिए यहाँ पर आया करते थे विजयनगर एम्पायर में, और एज वेल एज बहमनी को ही भेजते थे यहाँ पर सामान अपना, मगर रहते यहाँ पर ये विजयनगर किंगडम के अंदर थे, ठीक है। तो उनके जो सोर्सेज हैं उससे में जानकारी मिलती है कि राजधानी जो शहर था वो एक आज़ाद शहर था यहाँ पर, सोवरेन स्टेट था बिल्कुल, और पावरफुल और बहुत बड़ा फैला हुआ स्टेट इस टाइम वो यहाँ पर रहे। यहाँ पर फर्स्ट रूलर आते हैं यहाँ पर इसके हरिहरा वन यानी कि हरिहर, या फिर हक्करा, या फिर वीरा हरिहरा जिनको हम बोलते हैं, इनके बहुत सारे नाम मतलब टाइटल्स हैं, जो असल नाम होता है वो तो अलग ही होता है, या फिर जो रूलर होता है वो जो अडॉप्ट करता है वो जो नाम होता है वो अलग होता है यहाँ पर। देन दे रूल फ्रॉम 1336 टू 1356, 20 ईयर का रेन रहेगा यहाँ पर, एंड कंट्रोल करते हैं यहाँ पर ये, गेन कर लेते हैं बहुत सारा एरिया साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर एंड अर्न द टाइटल ऑफ मास्टर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, यानी कि राजा कहाँ का, ईस्ट का और वेस्ट का, साउथ इंडिया के अंदर, ऊपर का रीजन तो नहीं नीचे का रीजन, साउथ का रीजन, ठीक है। हिंदी में जो इनका नाम मिलता है वो उनको मिलता है पूर्व पश्चिमा समुद्र धीवश्वर, ठीक है, समुद्रा धीशवर, ठीक है, ये साउथ के नाम हैं क्योंकि छोटी सी वहाँ पर ज़्यादा हार्ड हिंदी बोली जाती है, मतलब पूर्व पश्चिम का जो समुद्र का हिफाजत करने वाला, जो बाउंड्री की हिफाजत करने वाला है वहाँ तक इसका राज, मतलब समुद्र के बॉर्डर से लगता हुआ इसका राज है यहाँ पर, जब इन्होंने अपने आप को इतना फैला लिया यहाँ पर एम्पायर को। ही बिल्ट अ फोर्ट एट बरकुरु, ठीक है ठीक है, इन्होंने अपना जो पोर्ट है इसको बनाया है यहाँ पर, और जो वेस्टर्न कर्नाटका है वहाँ पर ये किला मौजूद है आज के टाइम में भी, और एक किला यहाँ पर जो है इसी जगह के ऊपर है तुरु किंगडम का भी आता है, तुरु किंगडम को हम कहते हैं जो तमिलनाडु की शुरुआती किंगडम यहाँ पर निकल के आता है, तुलु से फिर तमिलनाडु बन जाता है आगे चल के, वही जो सक्सेसर स्टेट आते हैं वो तमिलनाडु के बुनियाद डालते हैं यहाँ पर। ही रूल नॉट पार्ट ऑफ द होयसला एम्पायर बिफोर अज्यूमिंग कंट्रोल ऑफ किंगडम इन 1347 फॉलोइंग द डेथ ऑफ होयसला वीरा भल्लला थर्ड। ये शुरुआत में नॉर्दर्न एरिया पर रूल कर रहे हैं, जो कमज़ोर एरिया था होयसला का जिस पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था वहाँ पर शुरुआत में ये रूल करते हैं, मगर जो होयसला एम्पायर है वो बाकी रहता है यहाँ पर, मगर जब यहाँ पर जो उसके लास्ट रूलर जो आएंगे 1343 के अंदर होयसला वीरा भल्ला भल्लाला जो हैं उनकी मौत होने के बाद ही ये उनका जो सारा सारा एम्पायर उसको हड़प लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे उसके ऊपर, और अपना जो एम्पायर उसका एक्सपेंशन शुरू करेंगे इस तरह से यहाँ पर ये। ही ऑल्सो नोन एज द कर्नाटका विद्या विलास, ठीक है, कर्नाटका विद्या विलास मतलब कर्नाटक की बुनियाद रखने वाला, इस तरह से कोई मतलब निकल के मतलब आता है इसका यहाँ पर। अररिया विवदिया, अररिया विबधा, ठीक है, अररिया विबधा मतलब यहाँ पर क्या है, फायर टू एनिमी किंग्स, जो दुश्मन लोग हैं इनके उनके ऊपर ये आग बरस के टूट पड़े, इसका मतलब ये निकलता है कि भाई उन्होंने इतनी बुरी तरह उनके ऊपर हमला करा कि जो इनके एनिमीज थे दुश्मन थे साउथ इंडिया में उनको बिल्कुल तबाह करके ख़त्म कर दिया इन्होंने यहाँ पर। फिर दूसरा जो यहाँ पर आता है ये बहुत लंबा है, इंग्लिश में तो पढ़ना मुश्किल है, मैंने इसलिए इनको हिंदी में लिख दिया था कुछ वर्ड्स को यहाँ पर।
बशेत पुअर पुअर यार यार कंडा, ठीक है जो भी है, भगेत भशेत भशे गेत पुअर यार गंडा, और पनिशर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स हु फेल टू कीप देयर प्रोमिसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ हिज टाइम। अब दूसरा यहाँ पर क्या गया भैया, जो पनिशर ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड हु फेल टू प्रोमिसेस, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि वेसल्स चलते थे पहले टाइम के अंदर, सामंतवाद था कि भैया सामंत के पास होती थी मेन फोर्स, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो आर्मी है, जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर तो हम ये देखेंगे कि ये इनकी जो आर्मी है स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़ी इनके पास नहीं थी, इन्होंने बनाई ही नहीं कभी अपनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी। हालांकि जो बहमनी थे उनके पास थी स्टैंडिंग आर्मी, मगर उनके पास भी जो 5 स्टेट थे, गोलकुंडा बिदर बरार, ठीक है, अहमदनगर, तो वहाँ पर उनकी ख़ास आर्मी थी, वो लेकर आया करते थे। यही चीज़ इनके साथ भी थी, यहाँ पर जो इनके वेसल्स थे, जो इनकी प्रोविंसेस थी, वहाँ पर बड़ी आर्मी थी, जो सामंत थे उनके उनके पास बड़ी आर्मी रहा करती थी, जब ज़रूरत पड़ती थी वो लेकर आया करते थे। मतलब वो अपनी तलवार को इनके आगे झुकाया करते थे कि हाँ भाई हम मानते हैं आप हमारे जो हैं महाराजा हैं और हम सामंत थे। जब वो उसको नहीं मानते थे तो उनकी ये हत्या करते करते थे, मतलब उनको परिश करते थे। इसलिए इनको कहा गया जो ये नाम है भशेत पुअर यार गंडा, कि मतलब जो पनिशर ऑफ द फ्यूडल्स, व्हेन दे बिकम द वे व्हेन दे फेल टू कीप देयर प्रोमिसेस, ठीक है, जब ये अपने प्रोमिसेस को, जब उन्होंने अपने वादे करे थे राजा के लड़ने के लिए, जब वो फेल हो जाते हैं उनको परमिश देने वाला, ठीक है। ही इज़ इनिशियल मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर द तुंगभद्रा रिवर एंड ही ग्रेजुअली एक्सपेंड हिज कंट्रोल टू सर्टेन रीजन ऑफ द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट। अब कोंकण पे हम कह रहे हैं कि इनका रीजन कैसे कंट्रोल कैसे आ गया, इस टाइम तक बहमनी किंगडम नहीं था, बहमनी बाद में आएंगे, बाद में वो कंट्रोल कर लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये बहुत ही अपने मिलिट्री और जो एक्सप्लॉइट मिनर जो होता है उसके अंदर कंट्रोल करते हैं आसपास के रीजन को, ख़ासतौर पे जो होयसला एम्पायर है उसका रीजन, फिर जो साउथ और वेस्टर्न पार्ट होता है ककटिया एम्पायर का उसको, जो तुंगभद्रा रिवर का जो रीजन आता है वहाँ पर वैली का, मालाबार को समझी कंट्रोल में यहाँ पर आ जाएगा। मैप तो फिलहाल मैंने लगाया नहीं है, देखो ये वाला रीजन है इसको ये तेज़ी से कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर अभी नहीं हैंगे कंट्रोल में, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल में किसने नहीं है, यहाँ पर रेड्डी एम्पायर बाकी है, किंगडम बाकी है अभी यहाँ पर, ठीक है। देन बाय द टाइम होयसला रूलर विला भल्लारा डाइड एंड फाइटिंग द सुल्तान ऑफ मदुरई अलाउिंग हरिहर टू इमर्ज एज अ सोवरन पावर विथ कंट्रोल ओवर ऑल होयसला होयसल, ठीक है, टेरिटरीज। जब सुल्तान ऑफ मदुरई हमला करेंगे भैया होयसला के ऊपर तो कमज़ोर पड़ जाएंगे यहाँ पर और मर भी जाएंगे फिर यहाँ पर, तो उनको पावर मौका मिल गया कि उन्होंने होयसला किंगडम जो है जो एम्पायर था उस पर कब्ज़ा कर लिया, फिर सुल्तान ऑफ मदुरई पर बाद में हमला करेंगे उनको भी ख़त्म कर डालेंगे यहाँ पर ये। एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 1346 क्या कहता है, रिगार्डेड आ द ग्रांट टू द श्री गेनी मत्था डिस्क्राइब हरिहर एज द रूलर ऑफ द होल कंट्री बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड विद्यानगरा सिटी ऑफ लर्निंग एज हीज कैपिटल। तो इसमें एक इंस्क्रिप्शन है श्री गेरी मत्था का, ठीक है, तो बताता है कि जो हरिहर फर्स्ट थे वो रूलर थे इस आगे भैया नॉर्थ के और वेस्ट की, मैंने सिर्फ मैप इस्तेमाल करा है दिखाने के लिए, नहीं बताऊँगा किसने रीजन से मैंने इस्तेमाल करा है। और जो इनकी जो सिटी थी, जिनकी जो वहाँ पर कैपिटल जो थी यहाँ पर विद्यानगर, मतलब सिटी ऑफ लर्निंग, विजयनगर जो एम्पायर की जो राजधानी थी वो उनकी राजधानी थी, मतलब बताता है कि इतना बड़ा उनका रीजन था हरिहर का, काफ़ी बड़ा उनका एम्पायर हो चुका था। देन अभी मर जाते हैं तो इनके जो भाई हैं यहाँ पर बुक्का राय फर्स्ट जिनको बोलते हैं हम यहाँ पर, तो वो बन जाते हैं पावरफुल रूलर एंड वो पावर में आते हैं, ठीक है। तो वो जो हम कहते हैं कि भैया चल रहा होता है प्रथा चल चुकी है जहाँ से एम्पायर को एक्सपेंशन करने की, उसकी मैरी उठाते हैं अपने कंधे पर और ये निकल पड़ते हैं यहाँ पर। और जब ये आते हैं अपने पावर के अंदर तो उस टाइम तक बहमनी किंगडम भी पावर के अंदर आ चुका होता है यहाँ पर। पावर के अंदर क्या होता है, वो अपने आप को अलग कर देते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट हो जाता है उनका जिस तरह से, उस टाइप तक जिस तरह के अंदर अंदर वो रहते हैं, बाद में वो अलग हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो
जो हम कहते हैं जो कसंगम डायनेस्टी के अंदर पांच प्रमुख यहाँ पे रूलर आते हैं, फाइव रूलर्स आते हैं जो फेमस रहे, जिन्होंने खास एफर्ट करा यहाँ पर, उसमें से ही यहाँ पर ये रहते हैं, पंच संगमास कहते हैं, पंच संगम इनको हम कहते हैं। ठीक है, बुक्का राय बारे में देखते हैं क्या रहा, बुक्का राय फर्स्ट। तो यहाँ पर इनका जो रेन रहा, ज़्यादातर हिस्टोरियन ये मानते हैं कि 21 साल तक रहा, मगर नूनी जो है वो कहता है कि 37 साल तक इन्होंने 37 ईयर तक रूल करा विजयनगर एम्पायर के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत सारा फैलाया, साउथ के जो बहुत सारे रीजन्स थे उस पर इन्होंने कब्ज़ा करा। मैंने इसलिए ही इसको मैप को लिया था यहाँ पर, ये होयसल तो यहाँ पर था, ये ख़त्म हो चुका था होयसल। काकटिया का जो नीचे का रीजन था ये भी ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, इतना इन्होंने ख़त्म कर लिया था अपने कंट्रोल में, यहाँ से यहाँ तक ये ले चुके थे। ठीक है, बाय 1316 ही हैव डिफीटेड द शमू शंभू वरिया किंगडम ऑफ आरकोट एंड द रेडीज ऑफ कंदा कोंडा वेदू। रेड्डी को जो ये हराएंगे, ठीक है, रेड्डी यहाँ पर आएगा किंगडम जब ये ख़त्म हो जाएंगे ककटिया वाले, तो यहाँ पर रेड्डी किंगडम यहाँ पर निकल कर आएगा बाद में, तो ये इनको हरा देगा। मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो रेड्डी किंगडम है वो ख़त्म हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं कि वेसल्स बन गए होंगे इनके रेड्डी किंगडम के यहाँ पर ये। ठीक है, तो रेड्डी किंगडम के ऊपर ये हमला करते हैं और ये उसको कंट्रोल में ले लेंगे यहाँ पर। पोनोकोंडा हैंड एलेक्स, पोनोकोंडा क्या है यहाँ पर, रेड्डी किंगडम की राजधानी बनती होती है यहाँ पर। और जब जो बीजापुर वाले इनके ऊपर, जब सॉरी बीजापुर कह रहा हूँ मैं, जब अलाइड फोर्सेस हमला करेंगी पांच सक्सेसर स्टेट ऑफ बहमन किंगडम की, तो ये जो राजा इनका इनका आएगा वो अपनी किंगडम की जो राजधानी है विजयनगर से हटा कर ले जाएगा इस पोनोकोंडा पर, और जो विजयनगर की किंगडम जो राजधानी थी जो विजयनगर था वो बर्बाद हो जाएगा, उसको हम भी कहते हैं आज के टाइम में हम। बुक्का राय डिफीट सुल्तान ऑफ मदुरई इन 1371 एंड एक्सपेंडेड इस किंगडम टू ऑल द वे ऑफ रामेश्वरा इन साउथ। तो रामेश्वरम कहाँ पर है, या साउथ में है, फार साउथ में, तो ये इतना रीजन जो है अपने कंट्रोल में ये पूरा का पूरा बुक्का राय ले लेंगे यहाँ पर। इन 1374 पावर कहाँ पर लेंगे भैया, बहमनी कंट्रोल का जो तुंगभद्रा रिवर का जो दोआब था कृष्णा और जो तुंगभद्रा का दोआब जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया था, अब इनकी निगाह पहुंचती है वहाँ पर कि हमने साउथ तो पूरा कर लिया, अब हम नॉर्थ में अपना एक्सपेंशन करेंगे। देन जब ये एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ पर इनके दो वॉर्स होंगे, बैटल्स होंगी बहमन किंगडम के साथ में, पहली में भी ये हारेंगे, दूसरी में भी ये हारेंगे ही यहाँ पर। जब दूसरी में ये हारेंगे तो भैया ये भागेंगे जंगल के अंदर, और जंगल में तबीयत ख़राब होने के चक्कर में इनकी हो जाएगी शहर पहुँचते पहुँचते मौत, फिर इनका बदला लेगा इनका बेटा हरिहर सेकेंड। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर, तो गोवा पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कंट्रोल। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है जिसे मैंने अभी मैप में लगाया था यहाँ पर, ये है, ये रही ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, इसका कहाँ का रीजन लेंगे, यहाँ पर का रीजन ये ले लेंगे अपने कंट्रोल के अंदर। देन फिर है जाफना किंगडम ऑफ सीलोन, जो सीलोन है इससे भी कब्जा कर लेंगे, मतलब अपना एक्सपेडिशन भेजते हैं, और जो रूलर्स होते हैं श्रीलंका वो कमज़ोर होते हैं पहले ऐसा ही होती। ठीक है, चोलबिन पे कंट्रोल कर चुके होते हैं, ठीक है, जब एशियंट टाइम के अंदर, तो यहाँ पर ये इतना फैलाकर इसमें भी ले आएंगे और ये भी हथियार लिया उन्होंने। ठीक है, देन कौन सा रहा यहाँ पर, मिजोरिन ऑफ मालाबार, मिजोरिन मालाबार का रीजन ये हाला होता है, और जो मिजोरिन है वही परमिशन देते हैं पुर्तगालियों को इंडिया में आने की। वास्को डी गामा जब यहाँ पर आता है 1498 के अंदर, तो लालची होते हैं मिजोरिन जो होते हैं, जेमोरिन सॉरी मिजोरिन बोल रहा हूँ जेमोरिन, तो ये इनको भी राजी कर लेते हैं कि भाई तुम्हें ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ये है कि तुम हमारे सामंत हो, तुम अपने ऑटोनोमस रूलर तो हो अपने एरिया के अंदर, मगर तुम हमारे कंट्रोल में हो अभी यहाँ पर। देन ये लॉन्च करता है असॉल्ट 1367 के अंदर, इससे पहले कहाँ पर, मुतकल फोर्टेस के अंदर। अब मुतकल जो फोर्ट होता है ये होता है बहमनियों के कंट्रोल के अंदर, ठीक है, बहमनी सुल्तनत के कंट्रोल में यहाँ पर आता है, तो बहमनी सुल्तनत जो होती है वो गुस्से में आता है सुल्तान, और वो रिट्रीट करता हुआ घुस जाता है बदला लेते हुए यहाँ पर इनके किंगडम के अंदर तक, कहाँ तक, विजयनगर तक पहुँच जाता है यहाँ तक के। और हम कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये
जो सुल्तान था उस टाइम का, ये होते होते जो रामेश्वर तक वहाँ तक ही घुस गया था अंदर तक, इनके सल्तनत के अंदर, विजयनगर एम्पायर के अंदर। हालांकि यहाँ बाद में क्या होती है, संधि हो जाती है, और तो ये जो किंगडम जो सॉरी जो हरिहर बुक्का जो होता है सॉरी, ये भाग जाता है जंगल के अंदर कि हम गोरिल्ला वॉर करेंगे अपन इनसे। ये सेकेंड टाइम वाली वॉर है इसके अंदर। जब ये जंगल के अंदर पहुँच जाते हैं भैया, ट्रीटी वगैरह करते हैं, मगर चाह रहा है इस टाइम तक ही ये बाद में जंगल के अंदर जहर के चक्कर में बीमार पड़ जाता है और इसकी शहर पहुँचते पहुँचती हो जाती है मौत। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेहद सल्तनत थी वो जीतती क्यों है, हालांकि जो एक्सपेंशन है आर्मी बड़ी किसकी है यहाँ पर, विजयनगर एम्पायर है उनकी आर्मी बड़ी है यहाँ पर, हर चीज़ में बड़े हैं, संख्या ज़्यादा है, हथियार भी ज़्यादा है, मगर आउटडेटेड हथियार हैं इनके, आर्टलरी इनके पास नहीं थी, जो तीर हैं भाले चलाने, जो आसमान से हम हथियार फेंकें, जो दूर से हम हमला कर रहे हैं जिसमें हमारे से जो सैनिक हैं वो ना मरे, वाली चीज़ें इनके पास ज़्यादा थी, बहमन के पास इनके पास नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर डिस्प्यूट ख़त्म किया जाता है टीटी करके, मगर ये सिर्फ ऐसा ही है कि मतलब हमने बोल दिया कागज़ पे हुआ, ये असल में नहीं हो पाता। देन बुक्का का जाकर जो बेटा होता है यहाँ पर हरिहर सेकंड, ये बैठेगा गद्दी के ऊपर 1377 में, एंड आखिर में जब ये हटेगा 1406 में, यहाँ पर ये हटेगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर इनके बाद बैठेगा गद्दी पे यहाँ पर वीरूपाक्ष। वीरूपाक्ष में हम ज़्यादा बात भी नहीं करते, डिस्कस ज़्यादा करते नहीं है, हालांकि ये काफ़ी मजबूत यहाँ पे रूलर रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने बहुत सारे, जब ये बैठे हैं गद्दी के ऊपर, तो मतलब हम कहेंगे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लैंग्वेज और पोइट्री वगैरह को सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर ये होते हैं यहाँ पर। तो ये कौन से सपोर्टर, जो कन्नड़ पोइट होते हैं मधुरा, उसको ये सपोर्ट करते हैं, मतलब दरबार के अंदर जगह दे डालते हैं अपने। तेलुगु पोइट जो होते हैं नचमा नचन्ना सोमा, दरबारी कवि बन जाते हैं वो, इनके सपोर्ट करते हैं, मतलब इनको पैटर्नाइज करते हैं अपने दरबार के अंदर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज दिस एम्पायर हु वॉज बिस्टो विद द टाइटल ऑफ, इनको टाइटल्स मिलते हैं। वजह क्या होती है, ये वेदास के जो वेद होते हैं धर्म के अंदर, जो पांच वेद होते हैं, अर्थ वेद, यजुर्वेद, ऋषभवेद, जो ऋग्वेद होते हैं, उनके ऊपर ही कमेंट्री लिखवाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे मैंने कहा ये कॉन्कॉर्ड लिखा हुआ है टेरिटरी, तो इसमें ये एक्सप्लेन कर देंगे भैया टेरिटरी कहाँ की एक्सप्लेन करी, कितनी एक्सप्लेन करी, ये ऐसे ऐसे हुआ, जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो विस्तार करते हैं उस चीज़ का, वो चीज़ करवाते हैं वेदास के ऊपर ये। तो इनको टाइटल मिलता है इस चीज़ के ऊपर, वेद मार्ग प्रवर्तक, मतलब वेदों के जो जरिया है उसके लिए मार्ग दिखाने वाला। दूसरा टाइटल मिलता है इनको वेदिका मार्ग स्थापन चर्या, ठीक है चार्या, क्योंकि इन्होंने जो वेदी का जो मार्ग है, जो वेद को पढ़ने के लिए जो आसानी है लोगों के लिए, उसको तमिल लैंग्वेज के अंदर अपनी ट्रांसलेट करवाया, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करवा लिया लोगों के लिए आसानी से, कि पढ़ पाए लोग इसको, तो इन्होंने ये काम करा। इसलिए इनको माना जाता है कि इन्होंने अपने टाइम के अंदर आर्ट भी और आर्किटेक्चर जो है उसको पैटर्नाइज करा था यहाँ पर, स्कॉलर्स को अपने यहाँ पैटर्नाइज करा था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज रेन द किंगडम वॉज ऑल्सो एक्सपेंडेड इन द ईस्टर्न कोस्ट अंडर हिम, टेरिटरी कौन कौन सी कॉन्कर करेंगे यहाँ पर, रेडीज इन अपर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, वरंगल रूलर इन द लोअर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, गंगा रूलर्स ऑफ ओडिशा कॉन्टेस्टेड भामनी सुल्तनत, कैप्चर्ड गोवा एंड बलगाम फ्रॉम द भामनी, सेंट एन एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ श्रीलंका। मतलब ये अब हम सोच रहे हैं कि भैया रेड्डीज पे तो उन्होंने हमला कर लिया था बुक्का राय ने, और जो कृष्णा वाले थे उनको भी काफ़ी तक उन्होंने हरा दिया था जो ओडिशा वाले थे, तो दोबारा कैसे करना पड़ गया इनको। वजह यहाँ पर ये होती है, जब भी कोई रूलर मरता है जो उसके वैसल्स होते हैं वो कर डालते हैं बकावत, हमेशा ही करते हैं लोग, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो वो आंकने के नहीं चलिए, तो बैठा है कमज़ोर रूलर होगा यहाँ पर, ये हम निकलते हैं अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, तो ये दोबारा से कुछ चलने के नहीं उनके विद्रोह को, ये अपने अपने एक्सपीडिशन भेजता है इन जगहों पर, छः जगहों पर। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, वरंगल पे उन्होंने अटैक तो कर दिया था, ठीक है, जो सदर्न पार्ट था वरंगल का उस पर उन्होंने अटैक कर दिया था यहाँ पर, मगर इस बीच क्या होता है कि वरंगल के साथ संधि कर लेता है यहाँ पर बहमनी सुल्तनत जो होती है। वजह क्या होती है कि जो बहमनी सुल्तनत होती है वो अटैक करती है गोलकुंडा के ऊपर और कोलास के अंदर। अब इस वजह से जब भी वरंगल वाले हार जाते हैं तो ये घुटने टेक देते हैं सल्तनत होती बहमनी उसके आगे, और ट्रीटी कर लेते हैं।
अब इस ट्रीटी में होता क्या है, ट्रीटी में ये तय किया जाता है कि भैया तुम साथ नहीं दोगे विजयनगर एम्पायर का हमारे ऊपर हमला करने में, बल्कि तुम साथ दोगे हमारा इसलिए कि तो हम हमला कर पाएँ विजयनगर किंगडम के ऊपर दोनों साइड से, ईस्टर्न साइड से भी करेंगे हम और जो सदर्न साइड है जो हमारी साइड लग रही है वहाँ से भी हम हमला करेंगे यहाँ पर। तो ये ट्रीटी यहाँ पर कम से कम 50 साल तक रहती है, जिस वजह से विजयनगर एम्पायर है उसको बड़ा नुकसान होता है। मगर बाद में यहाँ पर क्या होगा कि जो वारंगल है वो अपनी साइड को शिफ्ट कर लेगा, जब देखेगा जो विजयनगर एम्पायर है वो ताकतवर हो रहा है यहाँ पर। तो जो विजयनगर का जो एक्सपेंशन है काफ़ी हद तक जो तुंगभद्रा रिवर है वहाँ पर, जो दुआब का इलाका है वहाँ पर रुक जाता है इस वजह से यहाँ पर। अब जो मैंने बताया था टाइटल जो मेहते तो सेम दुआ से आ गए हैं यहाँ पर, हाँ पीछे आ गए थे दुआ से लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। देन ही वॉज सक्सेड बाय द हरिहर, सक्सेड बाय कौन करता है यहाँ पर, हरिहर को बुक कराए सेकेंड, एंड बुक कराए सक्सेड बाय देवराय, देवराय फर्स्ट जो है यहाँ पर वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। देवराय क्या करता है भैया, अब ये जो हरिहर हार गया था जो उसका नुकसान हो गया था 50 साल के आसपास, यहाँ पे कुछ वक्त जो है वो गुजार चुका था थोड़ा कम उससे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा यहाँ पर ये कि भैया ये करेगा मिलिट्री कैंपेन चलाना शुरू करेगा, किसके खिलाफ, जो बहमनी है उनके खिलाफ फिर से। हालांकि जो आर्मी है इतनी पावरफुल इन्होंने अभी तक नहीं करी थी यहाँ पर। देन जब ये अटैक करेगा तो सुल्तनत कौन, सुल्तान कौन होगा वहाँ का, सॉरी सुल्तान नहीं शाह होते थे वहाँ पर बहमनी किंगडम के अंदर, तो सुल्तान फिरोज शाह इस पर अटैक करेगा और इसको हरा देगा, ठीक है। जो लड़ाई होती है वो होती है तुंगभद्रा के दोआब के ऊपर, और जो इसके बाद जब हम देखेंगे देवराय सेकंड जो आएगा उसकी लड़ाई होगी, सॉरी कृष्ण गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पर उस पर यहाँ पर लड़ाई होगी, सेकंड जो लड़ाई होती है। अब ये हार जाते हैं यहाँ पर देवराय फर्स्ट, इनको आता है जुनून के मैं हमला कर लूँगा जीत जाऊँगा, मगर ये हार जाते हैं भाई साहब। और इनको जो इनकी राशि होती है जो हम कहते हैं रुपया जो होता है, इनको 10 लाख रुपये देने पड़ते हैं, मतलब हुंस, ठीक है, पर्स मोती हाथी देने पड़ते हैं जन के मुआवजे के तौर पर, और साथ में अपनी बेटी को देते हैं शादी के लिए, मतलब शादी कर डालते हैं अपनी बेटी की फिरोज शाह से, ताकि जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए कुछ टाइम के लिए। बंगपुरा जो है जो डेल्टा है इसके रीजन पे आता है बंगपुरा, ये मिल जाता है इसको सुल्तान शाह को यहाँ पर एज अ डोरी तहस के तौर पर मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है देवराय फर्स्ट जो है यहाँ पर वो डिसएडवांटेज में रहते हैं बामनी किंगडम के अगेंस्ट पर। अब ये जो सिक्का था इनका मैं बता दूँ एक बात और आपको, सिक्के के ऊपर यहाँ पर शिव बना होगा, क्योंकि ये संगम डायनेस्टी के हैं तो शिव बना मिलेगा आपको इनके ऊपर, भगवान शिव बने मिलेंगे। तो दूसरे रूलर जो आएंगे जो वैष्णव धर्म को मारने वाले हैं उनके सिक्के के ऊपर भगवान विष्णु बने मिलेंगे आपको, सिक्के इनके गोल्ड के होते ज़्यादातर, ठीक है। अब बैटल किस टाइम में होता है यहाँ पर, ठीक है, बैटल किस तरह से होती है बताया था मैंने आपको 50 साल के लगभग आसपास टाइम तक हो चुका था ट्रीटी को हुए हुए। तो यहाँ पर जो वारंगल है वो अपनी साइड को शिफ्ट कर लेता है यहाँ पर, और किससे मिला लेगा हाथ, यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर है उससे हाथ मिला लेगा, और ये तय करते हैं कि भैया जो रेडी किंगडम जो है, रेडी किंगडम में होता क्या है, जो वहाँ का रूलर होता है वो मर जाता है, अब वहाँ चल रही होती है वॉर ऑफ सक्सेशन, उसका फ़ायदा उठाने की नहीं है। वारंगल और विजयनगर एम्पायर सोचते हैं कि भैया हम जो इसका रीजन है बांट लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर और हमला करके इसको ख़त्म कर डालेंगे यहाँ पर। वही चीज़ वाकई में होती भी है, अटैक भी करते हैं यहाँ पर ये, और जो रेडी किंगडम है उसका खात्मा भी हो जाता है यहाँ पर। मगर जो वारंगल है और जो विजयनगर एम्पायर है दोनों यहाँ पर ये हार जाते हैं। देन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और होती है, जो फिरोज शाह सुल्तान फिरोज शाह है उनका हिसाब पता है क्या रहा, जो अकबर का हिसाब था कि हम शादियां करेंगे मैट्रिमोनियल अलायंस बनाएंगे, इससे क्या होगा भैया रिश्तेदारी बन जाएगी हमारी और लड़ाई झगड़े हमारे बीच ख़त्म हो जाएंगे। भैया जो सुल्तान जो विजयनगर वाले हैं वो सोचेंगे भाई दामाद है हमारा, हम इन पर हमला क्यों करें, क्यों लड़ें इनसे दामाद से अपने, तो वो चीज़ करें, मगर ऐसा नहीं हो पाता फ़िलहाल तो यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जो फिरोज शाह है तो बदला लेता है वारंगल से, किस चीज़ का, कि आपने विजयनगर वाले हैं उनकी मदद क्यों करी थी, कैसे मदद कर दिया आपने,
और जो ये कार्रवाइयाँ करता है इस चक्कर में इसको फिर गद्दी से हटाया जाता है, हट जाता है, ये गद्दी खुद छोड़ डालता है, जो उसका भाई है वो जाके बैठ जाता है गद्दी के ऊपर। ठीक है, अब आता है देवराय ऑल्सो कंटेस्टेड, अब इन्होंने कौन से काम करे ये बताती है। डैम बनाए तुंगभद्रा के ऊपर, किसनी के लोगों को खेती में आसानी हो सके, क्योंकि जो हम्पी का जो इलाका है उसके जो जो वो चारों से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ इलाका है, चार साइड पर उसके पहाड़ ही पहाड़ हैं, ताकि कोई आसानी से उस पर हमला ना कर पाए। ठीक है, पंपा देवी नदी निकलती है वहाँ से, एक और जो मानते हैं कि जो भगवान शिव की जो बीवी थी पार्वती, उनका ही नाम था पंपा देवी यहाँ पर, और मंदिर भी है वहाँ पर आसपास में कहीं पर जगह, तो वो नदी को मिलाकर जो बनता है रास्ता, मतलब एक धारा है तुंगभद्रा की, वहीं पर बनाया गया था एक डैम, जिससे जो हम्पी है यानी कि जो विजयनगर जो सिटी थी यहाँ पर उस टाइम की, उसके अंदर पानी पहुँचता था वहाँ से, और फिर वहाँ पर जो खेती होती थी वो होती थी यहाँ पर। ठीक है, रिवर हरिद्रा के ऊपर बनवाया उन्होंने डैम, दूसरा डैम यहाँ पर। मल्लिकार्जुन टेम्पल बनवाया कहाँ पर, मल्लाकुंदी, ठीक है, मल्लानंदकुंडी में। बाद में इसका बेटा बैठेगा यहाँ पर वीरा विराज्य, ठीक है, मसाज को बोल जो नंदी जो है वो कहता है इसको विसाया। ठीक है, 6 साल तक उनका रहेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद बैठेगा यहाँ पर कौन, देवराय सेकंड। ठीक है, इनका रेन रहा है 1406 से 1422 तक, और देन यहाँ पर होता है भैया किसका रूल, सॉरी देवराय सेकंड का, अगर इसकी हम बात को मानते हैं तो वो कट जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का ही गैप आता है, तो ये शायद 1 साल के लिए यहाँ पर रहा हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो रूलर है यहाँ पर, देवराय सेकंड। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा शुरुआती जो रूलर थे यहाँ पर हरिहर बुक्का, हम उनको कंसिडर करते हैं बिगिनिंग पार्ट के अंदर जब स्टार्ट करते हैं हम, कि हम ये कहेंगे भैया मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी, बट देवराय सेकंड वॉज द यहाँ पर हम कहेंगे कि जो मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी, और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वॉरियर हैं, स्कॉलर हैं, बहुत पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पे होता है। इनका नाम जो दूसरा होता है प्रोद्धा देवराय भी नाम होता है इनका। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, आर्ट आर्किटेक्चर है उसको पैटर्नाइज करा था अपने रेन के अंदर, बहुत सारे उन्होंने कन्नड़ा काम भी करवाया, मतलब कन्नड़ जो लैंग्वेज थी उसके अंदर उन्होंने राइटिंग्स करी बहुत सारी अपनी, जिसमें आता है सोबेनिका सोने एंड अमरकुदा अमरुक्का। ठीक है, एज वेल संस्कृत वर्ड जो है इनके यहाँ पर, महानाटक महानाटक शुद्धा शुद्धा निधि। ठीक है, इन चीज़ों ने मतलब अपने टाइम में उन्होंने करवाई यहाँ पर, स्कॉलर जो रहे यहाँ पर। ठीक है, साउथ इंडिया के मैथमेटिशियन रहे यहाँ पर, परमेश्वरा ऑफ द केरल यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल्स। तो ये कुछ स्कॉलर्स थे जो उनके टाइम में रहे यहाँ पर, पता चलता है इससे कि उन्होंने बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको अपने यहाँ पर पैटर्नाइज करा था, जगह दी थी, मतलब सैलरी वगैरह दिया करते थे, जगह दिया करते थे भैया तुम दरबार में रहो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो देवराय फर्स्ट हैं वो हार चुके होते हैं, तो ये सबक सीखते हैं कि भैया हम हार क्यों रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखते हैं कि जो मुस्लिम कैलिवरी है, जो उनके पास तोपची हैं या फिर जो उनके पास हथियार जो इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम्स जो बहमन किंगडम के अंदर हैं, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इनके पास। इनको तीर चलाना आता है, मतलब तीर चलाते ऐसे हैं कि जो घोड़े की लगाम है उसको पकड़ते नहीं हैं, घोड़ा दौड़ता रहता है और तीर चलाते रहते हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ क्या है हम घोड़े की लगाम पकड़ें या तीर चलाएं, तो इस चीज़ से ये सीखता है। तो इस चीज़ के चक्कर में क्या होता है भैया, ये अपने जो आर्मी है मुस्लिम्स की आर्मी हो उसको रिक्रूट करता है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं इन्होंने 20,000 के लगभग मुस्लिम को लिया था अपनी आर्मी के अंदर, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं 10,000 लिए थे बस, 10,000 को ये आर्मी के अंदर इस्तेमाल भी करता है, एज वेल एज ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट भी करता है हिंदूज जो जहाँ पे आर्मी वॉरियर जो होते हैं, ठीक है, आर्मी मैन जो होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। ठीक है, इन 1433 अ न्यू वॉर विद द बाबर किंगडम बिगन ए मुस्लिम इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेज ऑन हिम, ही वॉज इवेंचुअली फोर्स टू पे ट्रिब्यूट टू बमनी रूलर्स। देन क्या होता है भैया, इन्होंने मुस्लिम को अपने अंदर अपॉइंट कर लिया, शामिल कर लिया, और जो हिंदू जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू भी नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे नॉन मुस्लिम जो है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर कुछ जैन भी थे और बौद्धिस्ट भी रहा करते थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इनको आता है कि भैया अब हम
तैयार हो चुके हैं जो बहामनी रूलर्स हैं उनसे बदला लेने के लिए। देन ये दोबारा हमला कर डालते हैं बामन किंगडम के ऊपर, बेचारे फिर हार जाते हैं यहाँ पर ये आखिरकार, और फिर इनको यहाँ पर आखिरकार ट्रिब्यूट पे करना पड़ जाता है। ट्रिब्यूट मतलब हम मान रहे हैं आपकी सुपियोरिटी को और हम आपके अंडर कंट्रोल में हैं, मतलब ये बन गए इस तरह के छुटपुट वेसल्स इनकी तरह बामन के। हालांकि ऐसा नहीं होता फिर भी। अब इस टाइम क्या होता है भैया, एक चीज़ और करते हैं यहाँ पर ये, जब ये हार जाते हैं ये कहते हैं भैया जो सिटी के अंदर चाओ से अनागे जो फैल रही है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, और ट्रेड करना कंट्रोल ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपने दोस्त को जिनका नाम होता है लखना, इसको हम बोलते हैं लक्ष्मण, ठीक है, राइट हैंड जिसको हम बोलते हैं, तो इसको अपॉइंट करते हैं यहाँ पर साउथ इंडिया की लॉर्डशिप दे डालते हैं यहाँ पर, ये मतलब वेसल बना डालते हैं कि भैया तुम जो कॉमर्स वगैरह चल रहा है, जो व्यापार कर रहे हैं उसको कंट्रोल करो ताकि हमें फ़ायदा मिल सके यहाँ पर, ठीक है। निकोलो कॉम्टे कॉन्टे एंड अब्दुल रज्जाक, जानते होंगे अब इनको तो ख़ास तौर पर, पर्शियन इन्वॉय विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1420 एंड 1433। अब ये डिस्क्रिप्शन देते हैं भैया, आर्मी पास आर्मी है, सिटी जो है बहुत अच्छी बनी हुई है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है यहाँ पर, कॉमर्स को कंट्रोल करने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया गया है बिल्कुल। तो ये जानकारी हमें इससे मिलती है यहाँ से। नूनिस जो है उसी टाइम यहाँ पर पहुँचता है कि भैया किलकिन, श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू एंड तनासेरिन, बुरमा एंड मलेशिया पे करते हैं भैया ट्रिब्यूट किसको, देवराय सेकेंड को, मतलब इन्होंने इन इन जो रीजन से उन पे कंट्रोल करते, बर्मा यहाँ पर मतलब जो म्यांमार है आज का, मतलब इनकी जो आर्मी है वहाँ तक पहुँच चुकी थी। हालांकि एक चीज़ और बात ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि सही से हम नेवी को बनाए, जहाज़ थे इनके पास, जब जहाज़ से जब श्रीलंका पहुँच भी गए थे ये, जब ही यहाँ पर मलेशिया जो बुरमा है वहाँ पहुँच गए थे यहाँ पर ये, इससे पहले कौन पहुँचा था यहाँ पर, चोल, चोलों ने तो भैया क्या कहते हैं हमने ईट से ईट बजा दी थी यहाँ पर, जो म्यांमार जो मलेशिया वाले लोग हैं उनकी, काफ़ी सही तक उनकी कंट्रोल में रहा पर रहते हैं वो, और जो चोल होते हैं वो हमला करते हैं समुंदर के रास्ते से बंगाल तक के ऊपर, इतनी बड़ी उनकी आर्मी थी। तो हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ जो नेवी है वो चोल एम्पायर निकल के आता है, हालांकि आज के टाइम में उसको नहीं मानते लोग, वो मानते कि मराठास थे फादर ऑफ नेवी। देन यहाँ पर खैर जो बात थी मैंने बता दी आपको कि भैया पुर्तगीज ट्रेवलर जो यहाँ पर था नूनिस, ट्रेवलर भी था ट्रेडर भी था, बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ घूमने के लिए नहीं आया था, व्यापार करने के लिए इंडिया में आता था और लिखता था इस बारे में वो, ठीक है। तो ये बताता है कि भैया ये जो इलाके हैं इसको ट्रिब्यूट पे करते हैं किसको, देवराय सेकंड को। अब जब ये देवराय सेकंड जो है यहाँ मर जाते हैं भैया, फिर गद्दी के नहीं होता है यहाँ पर स्ट्रगल शुरू, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है आपस के अंदर, तो जो इससे किंगडम होता है वो जाता है कमज़ोर, और इसका फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर ईस्टर्न गजपति जो उड़ीसा के रूलर्स होते हैं, वो अटैक करते हैं इनके ऊपर, नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर रेड करते हैं यहाँ से। तो इससे क्या होता है भैया, जो इनका एम्पायर है वो हो जाता है श्रंक, हिल जाता है बिल्कुल यहाँ पर। तो जो इनका मिनिस्टर होता है, जैसे कि हम देखते हैं जो देह सल्तनत है वहाँ पर भी सेम चीज़ थी कि भैया जब हमला हो रहा है बाहर से आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भैया आप हटो मैं बैठ रहा हूँ गद्दी, मैं संभालता हूँ उस चीज़ को, बैठे रहो तुम, वरना मैं मतलब तुम गद्दी बैठे रहो, तुम नाम के हो, मैं जो रूलर हूँ वो असली हूँ यहाँ पर। तो जो सुलीवा जो डायनेस्टी का रूलर आता है यहाँ पर वो बैठ जाता है गद्दी के ऊपर, जो संगम डायनेस्टी के रूलर होते हैं उनको हटा के, एंड यहाँ पर शुरुआत होती है यहाँ पर सुलुवु डायनेस्टी की। तीन रूलर्स यहाँ पर आएंगे 1485 से 1505 तक, 05 तक ये रूल करेंगे, बहुत छोटा टाइम है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बारे में शायद हाँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास PDF मैंने भी लगा नहीं रखी PPT यहाँ पर। सेकेंड डायनेस्टी यहाँ पर रहेगी सुलुवु डायनेस्टी, बहुत छोटा टाइम है इनका, तीन रूलर यहाँ पर निकल कर आते हैं, इसके बाद यहाँ पर आएगी तुलुवु, फिर आती है अरावियो डायनेस्टी। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को। वीडियो कैसी लगी आपको, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।